आप कोई ऐसी बात जो अवामनास से शेयर करना चाहते हैं जिस वजह से जिस बात से लोग सुने तो उनकी ज़िंदगी बदल के रह जाए बाबा जी की ज़िंदगी के तीन वाक़ में आपको सुनाता हूँ ठीक है लेकिन मैं ये चाहूँगा कि एक नशित में लोगों को नहीं बताइए ताकि पहले एक मज़ा ले फिर दूसरे पार्ट में दूसरी का थीक थीक तीसरी पार्ट में ठीक जी ठीक है बाबा जी हज़ूर किबला आप कपड़े का कारोबार फरमाते थे तो आप एक दफ़ा कपड़ा खरीदने के लिए अपने दौर में आप फैसलाबाद गए जी वहाँ पे आपने कपड़ा खरीदा जो गांठ जब बांधी ना उसकी कपड़े की तो वो तकरीबन जो है आ, दो मन की थी गांठ अच्छा। और बाबा जी माशाल्लाह बड़े जवान और ताकतवर थे हुँ। दो था ना एक जस्मानी ताकत भी थी और बाबा जी को रूहानी ताकत वाँ भी अल्लाह ने था मशाला, मशाला। तो बाबा जी जो है आपने वो गांठ जो है मिंट गुमरी बाज़ार से आपने या जो भी था कारखाना बाजार वहाँ से उठाई और बाबा जी वो उठा के तो जब आए ना इधर स्टेशन पर फैसलाबाद तो अब स्टेशन पर क्या हुआ कि ट्रेन ने विसल दे दी गाड़ी ने विसल दे दी सही है। अब इसकी बजाय क्या आप बिल्टी करवाते या टिकट लेते आप भागे और भाग के तो आपने वो ट्रेन के अंदर फेंका ट्रेन है। चलती के अंदर वो अपना जो कपड़ा था गांठ फेंकी और फेंक के तो आप चढ़ गए अब आपने बरमाते हैं आपने वो गांठ जो है ना लकड़ी की वो कपड़े की वो ऊपर रख दी ठीक है बर्थ जिसको कहते हैं उसके ऊपर और आप बैठ गए अब टिकट चेक कर आया अब ट्रेन में तो आपने उससे जो है टिकट बनवा लिया सांग लाइल का ठीक है अब आपने जब सांग लाइल का टिकट बनवाया तो उसने ऊपर देखा तो कपड़े की गांठ बंधी थी कहने लगा ये कपड़ा किसका है जी। आप फरमाते हैं कि ये मेरा है ठीक है ये मेरा, मेरा है आप फरमाते हैं उसने कहा इसकी बिल्टी। आपने ऐसे वी बाई किलो तो है वी बाई किलो तो है है ठीक तो इसकी क्या बिलिटी उसने हाथ लगाया उसने कहा कम अज कम दो मन है अच्छा आपने फरमाया नहीं नहीं ये वी बाई किलो ही होगा ठीक है अब वो जब सांगल स्टेशन आ गया जी तो उसने वहाँ पे जो था पुलिस उसको विसल लगा के तो उसने बुलाया और उसने कहा कि ये गांठ जो है इसको तोलो तोल के तो उसका ग्यारह गुना इसको डाल दो अच्छा अब वो गांठ दो कुल्ली मंगवा के नीचे तुरवाई तो, तो वो पुलिस वाला बोलना शुरू हो गया कि बाबा आज तू बचना नहीं यानी आप अभी जवान थे तो उसने कहा जी तु बचना नहीं तू ये जो है आज ग्यारह गुना पड़ेगा और जेल भी जाए बाबा जी फरमाते मैंने आंखें बंद की और मैंने अपने रब से कहा पहली चोरी मुझसे हो गई मुझसे पहली गलती हुई है तू मेरा रहमान और रहीम रब है अल्लाह मेरी इस गलती को छुपा ले मुझे माफ़ी अता कर दे और आइंदा पूरी जिंदगी मैं ऐसी कुताही गलती नहीं करूंगा सुभान अब देखिए यहाँ पे अब बात होगी अपने रब से बाबा जी की ठीक है मैं इस तौल को अभी फिर बताता हूँ साथ में हुँ, हुँ। आज बाईस चेतर है जी चेत के महीने की आज बाईस है जी। चार अप्रैल है।, है तो मैं इस, इस ये कामल यकीन को आपको अपने रब पे जो था उसे समझाता हूँ आपको जी, जी। अब कुल्ली और जो उसके थे उधर स्टेशन के जो लोग थे वहां पे उन्होंने जब गांड को हाथ लगाया तो वजनी बड़ी थी चार बंदों ने उठा के तो उसको उसके ऊपर रखा अच्छा वो जो होता है कंडे के ऊपर सांगलाइल में जो प्लेटफार्म नंबर दो है वहां पे कंडा होता था वजन हाँ वजन तोड़ने वाला सीढ़ियों के पास जब उन्होंने उधर रखा ना ठीक है तो अब थी तो वो दो मन <laughs> तो होना क्या चाहिए था दो मन <laughs> लेकिन जब उसने ऊपर रखा तो वो थी बाईस किलो बाईस <laughs> किलो क्या जो दिया था बाईस बाईस किलो वाह उन लोगों ने कहा आप जो कहे आपने कहा ना ये कंडा खराब है उठाते हैं तो चार बंदे उठाते हैं ये गांठ तो चार बंदे चार बंदे रखते हैं तो ये बाईस किलो बाईस उन्होंने कहा ये कंडा खराब है चलो आगे चले अच्छा दूसरे कंडे पे प्लेटफॉर्म नंबर एक पर अब बाबा जी जो है ना उनसे पुलिस वाले ने बदतमीजी शुरू की तो आपने फरमाया देख भाई ये मेरा और मेरे रब का निजाम है ये उधर की बात है दरमियान में आ इन बातों का को कोई फायदा नहीं है अब वहां प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आ गए दुनिया इतनी कट्टी हो गई अब जब उन्होंने फिर उसके तो फिर उसके ऊपर रखा तो किलो अब माल गोदाम में आ गए स्टेशन मास्टर भी आ गया सारी दुनिया इकट्ठी उन्होंने कहा इसको बड़ा कंडा जो है ना माल गोदाम में वहां पर ले जाओ जब माल गोदाम पर बड़े कंडे पे रखा ना जी तो कंडा जो उसने तोला कितना बाइस किलो उन्होंने अपने इंजीनियर को बुलाया और इंजीनियर से आप उन्होंने कहा कि ये कंडे खराब है लगता है इसको ठीक करो इंजीनियर ने सारा कंडा खोला खोल के उसको दोबारा से फिट करके तो कहा कि अब ये ठीक है इसमें कोई खराबी नहीं अब जब फिर उस पर डाला ना तो वो क्या था बाईस किलो तो बाबा ही फरमाते हैं मैं दीवार के साथ लगा मैं उसको और उसकी रहमत को देख रहा था सुबह अल्लाह आ फरमाते उन्होंने चार बंदों ने उठा के वो दो मन की गांठ बाहर फेंकी उन्होंने मुझे कहा ये तूने जादू किया है जो है जो दो मन लेकिन तोल में ये क्या है बाईस किलो अगर ये तेईस किलो स्टेशन मास्टर कहता तेईस किलो भी हो जाता तो मैं ग्यारह गुना तुझे ज़रूर डालता आ फरमाते मैं आके उसके उस सजदे में पड़ गया और ये यकीन है मुझे और उस दिन कामल यकीन हो गया कि उसके कारखाना कुदरत में हर चीज़ है वाह अल्लाह हम तो समझते ना सिर्फ ये आम नहीं लोहा भी बेजान लोहा भी उसके कारखाना कुदरत में है, वो जैसा चाहता है जब जो चाहता है वो हो जाता है वा, वा, ये करामत मैं समझता हूँ करामत है ये आप पर बाबा जी पर अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने आपके लिए और आपने जो दुआ मांगी जो उससे वादा किया रब ने वो वादे को कामल कर दिया और अपने बंदे की इज्जत को महफूज रखा अच्छा बाबा जी मुझे पता चला था कि हकूकली बात के साथ साथ जो बिलखसूस इंसानों के साथ साथ साथवानों के साथ भी बड़ा प्यार करते थे ये बात जो ये बात अच्छा एक और मामला हो ना ऐसा हो कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो नहीं पता आप मेरे गाँव में आएंगे ना जी जी तो जे जे जे। जिस जिस थोड़ी ज्यादा उम्र के बंदे को बल्कि बच्चों को भी मिलेंगे ना जी जी तो वो बाबा जी की से बाबा जी की शुरू कर देगा माशा आप हैरान हो गए इस गांव का बच्चा बच्चा जो है उनकी करामत बयान करता है ठीक है आप बाबा जी का यहाँ पे अल्लाह की मखलूक के साथ प्यार का अंदाजा करें या या करे आपके घर के बाहर ना सुराख में बीड़ जो होती है ना उनका उन्होंने अपना घर बना लिया सुराख के अंदर कीड़िया नहीं बेड़ियाँ जो होती हैं ये जो पंजाबी भूड जिसे हम कहते हैं अच्छा ये, ये 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 लड़े थे ना तो सो भी इस जल्दी येलो कलर के ये बीड़ों ने बना लिया तो अब बाबा जी की गली में से जो गुजरता वो कहता है ऐत जैसे लड़ जानी है यानी ये हमें काट लेंगे ठीक है कुछ बच्चे और कुछ लोगों ने इकट्ठे होके ना जी तो अक्सर आपने देखा बच्चों की ये शरारत होती है जहाँ बेड़ों का घर होता है ना सुराग हो तो उसको बंद करते हैं ये छेड़ते हैं अब उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया ठीक है वो मिट्टी का गा गारा या मिट्टी के वो बना के तो उन्होंने बंद किया अब वो बीड़ें बहुत ज़्यादा थी उसके अंदर बाबा जी को ख़बर होगी आप अपने घर से बाहर निकले तो आपने फरमाया क्यों इनका घर जो है सुराख क्यों बंद कर रहे हैं उन्होंने कहा बाबा जी हम यहाँ से गुजरते हैं तो ये हमें लड़ सकती हैं ठीक है तो बाबा जी ने फरमाया देखो इसके अंदर इनके बच्चे हैं जी अगर तुम इसको बंद कर दोगे तो ये भी मर जाएंगी और इनके बच्चे भी मर जाएंगे तो ऐसा करो तुम सब चले जाओ जी जी मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ ये बाबा जी की करामते हैं मैं कैसे बताऊँ और मखलूक खुदा से मोहब्बतें भी तो आप फरमाते और ये आर्डर दिया वहां पूछे आपने फरमाया अगर किसी को ये भिड़ काटे अच्छा भिड़ काटे तो उसको मैं एक रुपया भी दूंगा अच्छा, और भिड़ काटेगी अगर दर तकलीफ होगी तो मैं दम भी करूंगा अच्छा सुबह अब आपने फरमाया तुम इन्हें ना छेड़ो ये खुद ही जब बच्चे पाल लेंगे यहाँ से चली जाएंगी और इस गल को कई साल गुजर गए हैं अगर आप चाहें तो मैं ले जा सकता हूँ वो जगह अब भी है वहाँ पे वो बच्चों के वो मट्टी मारने और सुराग बंद करने का अब भी निशान है तो किसी को वो दो या तीन माह उधर रही वो किसी को काटा नहीं है अच्छा। किसी को नहीं लड़ी वो ठीक है और मैं समझता तो ये बाबा जी करामत है कि वो मखलूक़ के खुदा ने किसी को तंग नहीं किया सुबह इसके हवाले से ये तो आपने बता दिया एक उनका कुत्ते का जो वाक्य है जो कुत्ता काटता था उसके बारे में आप थोड़ा सा बाबा जी तो मैं आप जी जी बाबा जी इसमाइल साहब अपने घर में तशरीफ तो फरमाते तो अचानक बाहर गली में शोर हुआ गली में शोर हुआ तो गांव एक कुत्ता बाबा जी के घर में दाखिल हुआ जिसके मुंह से भी जिसम से खून निकल रहा था तो बाबा जी की चारपाई के आगे से गुजर कर तो सीढ़ियों के ऊपर बैठ गया गिर पड़ा ना दो तीन आदमी उन्होंने हाथ में सोटियाँ कलाड़ी पकड़ी हुई तो वो उसको मारते हुए आ रहे थे जैसे वो गिरा बाबा जी ने उन आदमियों को देखा फर मैं ठहरो ये मेरे घर में आगे क्या करने लगे उन्होंने कहा बाबा जी ये जो कुत्ता है ना जी जी। ये जो कुत्ता है ना जी हमें बड़ा तंग करता है ये महल्ले में लोगों के घरों में दाखिल होता है अच्छा शादी में से रोटियां निकाल लेता है किचन में चले जाता है मुर्गियां पकड़ता है लोगों को काटता है आज हमने इसको मार देना हमें बहुत इस पर गुस्सा है जी जी जब आपने फरमा ठहर जाओ ये अब मेरे घर में आ गया तुम इसके साथ ज्यादती नहीं कर सकते मैं तुम्हें वारंटी देता हूँ तुम लोग चले जाओ यहाँ से अगर ये किसी के घर में जाके रोटियाँ निकाल ले तो वट्टी आटे की रोटियां वट्टी आटा यानी दो किलो आटे की रोटियां भी दूंगा पैसे भी दूंगा ठीक है अगर ये कुत्ता किसी को काटे तो गारंटी देगा उसको होगा भी कुछ नहीं अच्छा और उसका इलाज भी करवाऊँगा ठीक है किसी की मुर्गी पकड़े मुर्गी भी दूंगा और पैसे भी दूंगा ठीक है अब ये आपने बात कह दी और वो लोग चले चले अब आप उस कुत्ते के पास बैठ गए और ऐसे हाथ जोड़ के उसको कहते हैं देखो है, मैंने तेरी गारंटी दे दी है वाह वाह और तूने सुन भी ली है जी। मेरी इस गारंटी की लाज रखना क्या बात है माँ जी को फरमाया इसके लिए हलवा बनाओ इसकी कौन सी माँ है जो जख्मों में इसको चूरी खिलाएगी देसी घी का हलवा बना के प्रात में डाला उसको ठंडा किया और उस कुत्ते को खिलाया और मेरे गाँव के बलेर के लोगों ने फिर देखा जी जी। वो कुत्ता जो है उसी गली बाजार में रहा चार पांच साल रहा जी। लोग उसको रोटी डालते तो रोटी ना खाता ठीक है लोग उसके आगे मुर्गी रखते गोश्त फेंकते वो नहीं खाता बाबा जी इसमेल के घर की रोटी वा, खाता वा, वा, वा। वा। फिर लोगों ने बाबा जी की इस करामत को इस वादे को आजमाया भी अच्छा और उसके पास लाके खरगोश फेंकते थे खरगोश और कुत्ता जो है वो ना उसकी तरफ आगे ऐसा नहीं होता ठीक है तो क्या है? वो खरगोश की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था वाह वाह, तो ये साहबान अमर वो जो है ना आति वाति रसूल व वा उल अमर मिनकुम जो है ये साहबान अमर है सुबह ये मौला अली के कदमों के तुफैल में आकारो फरीम के कदमों के तुफैल में ये साहबान अमर है कि कुत्ते भी जो है इनकी हया करते हैं और इनके वा, वादों का पास रखते हैं